हेलो एवरीवन, मैं नलिनी, स्वागत है आपका नलिनी एक्सप्लोर्स में। आज ये हम पोहा देखेंगे, आलू पोहा। सिंपल कैसे बनाते हैं और टेस्टी। ये मोटे पोहे से बनाना है ब्रेकफास्ट, बहुत ही टेस्टी है। पतला पोहा से हम चिवड़ा बनाते हैं, मोटा पोहा से नाश्ता बनाते हैं। ये देखिए, मैंने ये बाउल भर के लिया है, ये मोटा पोहा है। इसे हम धो लेंगे, दो बार अच्छे से पानी से धो ले, पूरा पानी निकाल ले। इसे बाजू रख लीजिए, उसमें पानी नहीं रखना है आपको, पूरा अच्छे से पानी उसमें से निकाल ले। देखिए, मैंने एक आलू, मीडियम साइज़ टमाटो, मीडियम साइज़ ऑनियन एंड 6 to 7 ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप जितना स्पाइस खाते हो वैसे लीजिए। ये छोटे पीसेस कट कर लीजिए एंड ऑनियंस लंबे कट करना है आपको। ये बहुत ही टेस्टी है, जल्दी बन जाता है। देखिए, ऐसे कट कर लीजिए। पैन में हम 5 टेबलस्पून ऑयल ली हूँ, 4 to 5 टेबलस्पून। इसमें थोड़ा ऑयल अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेस्ट होता है, आप कम ऑयल से भी बना सकते हैं। मैंने 4 to 5 टेबलस्पून लिया है ऑयल। एंड पीनट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले, आपको जितना खाना पसंद है उतना लीजिए। मैंने एक छोटे बाउल भर के लिया है। इसे ये हाफ़ फ्राई होगा तभी आप मस्टर्ड सीड्स यानी राई और जीरा डाल दीजिए। जब तक आपके राई स्प्लटर होंगे तब तक आपके पीनट्स भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब कंप्लीट रोस्ट होने के बाद डालोगे तो वो एकदम काले हो जाएंगे, इसलिए हाफ़ रोस्ट होए साथ ही आप मस्टर्ड सीड्स डाल दीजिए। अभी ऑनियंस एंड ग्रीन चिली, इसे थोड़ा फ्राई करें। कंप्लीट गोल्डन ब्राउन होने की ज़रूरत नहीं है ऑनियंस, थोड़ा फ्राई करें। साथ ही हम इसमें पोटैटो डालेंगे, आलू। अगर आलू आप पहले से काट के रखे हो तो उसे पानी में रखिए, नहीं तो ब्लैक हो जाएंगे। एकदम काट के तुरंत डालना है तो ज़रूरी नहीं है पानी में डालने के लिए। एकदम काटे एंड तुरंत आपको हंडी में डाल रहे हो तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज़ आप उसे पानी में डाल के रखिए, नहीं तो एकदम काले से हो जाएंगे। देखिए, अभी हम इसमें आलू मिक्स करते हैं। एकदम बड़े बड़े पीसेस नहीं, ऐसे छोटे पीसेस कट करिए। एंड इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे ताकि आपके आलू जल्दी भी पक जाए, उससे आपका मॉइस्चर आएगा सॉल्ट से एंड आलू में थोड़ा सा टेस्ट भी आ रहेगा, नहीं तो आलू टेस्टलेस होंगे। इसलिए थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं, नहीं तो एकदम आप खा नहीं पाओगे, पूरा सॉल्ट आलू को पकड़ लेगा। अभी हम टोमेटोज़ डाल रहे हैं। इसे मिक्स करके आप थोड़ा देर कैप लगा दीजिए ताकि टोमेटो सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, ज़रूर ट्राई करके देखिए आप। बहुत ही इजी है, जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी, बड़ों के आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा जब आप मिक्स करते हो उसे जैसे दबाते हुए करें, कंप्लीट सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नलिनी एक्सप्लोर्स। एंड थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। मैंने 2 डेज़ वीडियो पोस्ट नहीं करी हूँ, थोड़ा बिजी हो गई थी, सॉरी। अभी हम पोहा डाल देंगे इसमें। ये जब सोख करके थोड़ा अच्छे से फूल जाता है, उसमें जो हम पानी पूरा निकाल देते हैं फिर भी जो थोड़ा पानी रहता है उसे अच्छे से फूल के आता है पोहा, तो उसे जब डालते हो एकदम खोल के डालिए, नहीं तो लम्स लम्स जैसे रहेगा। आराम से खुल जाते हैं, जैसे भी आप बांडी में इसमें डालोगे, पैन में, हंडी में, उसमें भी आप मिक्स करते समय खोल सकते हो, लेकिन इजी होगा जब डालते समय आप उसे खोलते हुए डालें। देखिए, एकदम यम्मी टेस्टी पोहा, मेरा फेवरेट है ये। बस ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट्स के लिए कैप लगाए। अच्छे से इसमें आप जितना अच्छा धनिया पत्ता डालोगे उतना टेस्ट होगा।
मैंने बाउल भर के धनिया पत्ता ली हूँ। इसमें आप जब खाओगे ऊपर से सेव डाल के, एकदम बारीक कटा ऑनियंस ऊपर से डाल के खाने से भी बहुत टेस्टी होता है ये। प्लेन भी बहुत टेस्टी है, अदरवाइज़ आप ऊपर से हल्का ऑनियन कट करके थोड़ा सा सेव डाल के खाओगे तो भी सुपर टेस्टी होता है। देखिए झटपट बन गया है आलू पोहा। अभी हम इसे बाउल में ले लेते हैं। ज़रूर बना के खाइए, ट्राई करिए, आपको कैसा लगा टेस्ट बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।